नमस्कार मार्केट मुड्र आउ एक नुआ अध्याय को स्वागत करुच्छी मु संघमित्रा। सोमवार हेउछि कार्तिक पूर्णमी, चारिआड़े गहले चहले जेहेतु कुहा जाए धर्मर मास हेउछि कार्तिक मास, पुण्यर मास हेउछि कार्तिक मास। ओडिया परंपरा संस्कृति रे विश्वास करे हबिष करंती, जोथि पई कि आमिष न खाई कि टिके परिबा उपर बेसी ध्यान दियंती ओडिया माने। आज आमे मार्केट मुड रे वर्तमान परिवार रेट केते अछि, साधारण लोकंकु केते सुआ हुछि, कथा हवा साधारण लोकंक सहित आसन्त। रेट माने आग अपेक्षा परिवार रेट टिके अधिक बढ़ी जाइछि, गोटे साधारण लोक मानक किणवाटा टिके कष्ट हो जाउछि। आ पंचकृत पर्वपर्वाणी पाळिबे माने समस्ते निश्चित भाव किणवे ना किछि किछि, आउ पर्वटा तो किए छाड़बेनि, से निमन्ते बेसी किणवा परिवर्ते टिके टिके नेकि चलि दउछन्ति। आउ सेतिपई आमे जदि कनसीयस तो हो पारे, मार्केट तो बढ़ुची, आ तथापि जी जहाँ चलवा कथा चलवा। बैगन रेटा बर्तमान 50 टाँग थी जगार बर्तमान 80 टाँग बढ़ी जाए, तो ये परिमाण में पर रेट बढ़ीजे जहाँ भी नवा को ग्राहक आसुच्च मैंने नहींक जी, कि 5 के जी ना बाद आम जो 1.5 के जी नेलु आमको से अधिक प्रेसर हो। बैगण 60-70 टाँह अच्छी, पोटल 60-70 80 भी भल पोट अच्छी, कोबी 40-35-50 भल पोट भल कोबी, बाकी आउ सब सब पंचक टिके अधिक रेट अच्छी। आउ तो मु किछि किणिनि, एतिकि किणिछि। ओडिया लोक माने टिके परंपरा धर्म रे बेसी विश्वास करंती, तेणुकरी आईस पर हेते ये नाही, पनीपरिया टिके बेसी खांती, तेणुकरी पनीपरिया टिके अधिक रेट अछि। आपण देखुथिले आमे साधारण लोकंक प्रतिक्रिया नेउथुलु, समस्ते कहउछंती कोठा कोठी पंचुक पई टिके परिवार दर रे निया लागिछ, जदि परिवार रेट आउ टिके कम होइथांता ताहेले बैग रे आमे आउ टिके अधिक परिवार नेकि घरकु जाइथांतु। ओडिया लोक संस्कृति रे विश्वास करंती, सेथिपई हबिष करउछंती, आमिष खाउनांती, परि को अधिक गुरुत्व देउछन्ति। आम सहित आउ किछ जन साधारण लोक मध्ये अछन्ति, आसंतु सेमानकर मध्ये प्रतिक्रिया नबा। ए विशेष करी कंचा कदळी सारु एई सब विषय रे माने परिया उपर टिके बेसी डिपेंड करछन लोक माने, जा पर गोटा टी रेट अधिक आछि। कदळी गोटे 10 टका, आउ आपनकर सारु 40 टका, आउ आपनकर बीन 60 टका आछि, मटर 40 टका आछि, बैगण भल बैगणटा 50 टका 60 टका आछि, आउ एम सब रेट अछि। आउ सेमती किसी ना यहाँ आउ पंचुक केवल यही जिनसा कदमी सारु एम जिनसा टे मंगा करी, कितु बीन मटर ये पंचुक संपर्क ना गोटा नुआ ना आसूसी, तेणुक महंगा हो। दरदाम बढ़ी दरदाम अच्छी अधिका अच्छी सब, विशेषकर आपंकर अदा रसुण गुड़ा जदिव पंचुक जिनस नुह तथापि रेट गुड़ा अधिक अच्छी, कमिले निश्चय भल हाँ लोक सुविधा किणी पारे पकाटी को अधिक बाधुची, जहाँ रेट हेल्ले दवा को पड़ो कि आग अपेक्षा अधिक अच्छी। बैगण 60 टाँह, आमर जहनी 60 टाँह, आमर मु कि काकुड़ी सी भी सी 60 टाँह, तेणु निश्चित भाव अधिक अच्छी, निश्चित भाव अधिक अच्छी, आम से अनुसार आडजस्ट करा पड़ो टे सालिश कलु पकेट अनुसार पर सालिश करा पड़ा। वर्तमान अवस्था जहाँ सब जिनस तो अधिका बढ़ी, खाली पर नुहे सब जिनस देखु आप्रोक्सीमेटली सब जिनस बढ़ी। थैंक यू। आपण देखुले वर्तमान आम साधारण लोकों प्रतिक्रिया नौ, समस्ते कहते कौट ना कौटी पर पकेट रैसा सह आमको सालिश करा पड़ी, तो रेट टी अधिक रही जेहेतु पंचुक निरामिषाशी समस्ते खाया विशेष कर भल पाती, तेणु पर रेट टी अधिक रही। आम सब झुड़ंग भेंडी कखारु आउ कंदमूल यू जिनस नहीं, जहाँकि डालमा भजा कंचा कदमी ये सब पर हाँ अल्प टे किलो जगह अर्ध किलो निहि बजेट को देखिक रेट रही रेट रही लोक कि निश्चिंत पकेट को बाधु। काकुड़ी अच्छी 60, जहनी 60, बैगण 60, भेंडी 60, कलरा 60, झुड़ुंग 60, पोटल खाली धला पोटल अच्छी 120, पिपुली पोटल अच्छी 80 टाँग किलो, गली ना तो रेट अच्छी कम 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 चलती है। तो बैगण कौन अधिक बस बैगण पोटल अधिका रेट हेल्ले नहीं पार ना अल्प अल्प नौ गहली से ना जो रबार रबार गहली अधिका
ଆଉ ଯେଉଁ ବଜାର ଯେମିତି ସେମିତି ଆଉ କହିବି ଆଉ ପ୍ରଭାବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ଟା ଅଧିକା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହବିଷ ଓଷା ପ୍ରାୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପରିବା ରେଟ୍ଟା ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ ଆଉ ପରିବା ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ କରି ପରିବାଟା ଅଧିକା ପରିମାଣ ବି ନିଅନ୍ତେ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି ଆମିଷ ନାହିଁ ପରିବା ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ ମୁଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ପରିବା ଦରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଯଦି ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିବା ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା